दोस्तों, क्या कभी आपने ये कल्पना करी थी कि सरकारी कंपनी लिस्ट होगी और इतने अनाप शनाप प्रीमियम पर लिस्ट होगी? लिस्टिंग के दिन ही अपर सर्किट ठुकेगा। सरकारी कंपनियों ने तो ये सपने में नहीं सोचा था, लेकिन कल इरेडा की लिस्टिंग के समय ना देखे हुए सपने भी साकार हो गए। 32 रुपए का शेयर 60 रुपए पर लिस्ट हुआ। अब हमने तो आईपीओ में अप्लाई भी नहीं किया था, और ये आईपीओ नहीं, लॉटरी थी। बहुत कम लोगों को अलॉटमेंट मिला, इसलिए बड़ा सवाल है कि अब क्या करें, खरीदने का मौका कब मिलेगा। ये तो अनाप शनाप घोड़े की तरह भागने लगा। तो दोस्तों, थाम्बा थाम्बा, ना मार्केट कहीं जा रहा है, ना इरेडा कहीं भाग रहा है। इसी मार्केट में इरेडा छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां भी सस्ते वैल्यूएशन पर मिलती रही हैं, इरेडा भी मिलेगी। इसलिए अगर कंपनी पसंद है, अलॉटमेंट नहीं मिला है, खरीद नहीं पाए, तो भागती बस को पकड़ने से अच्छा है, पैसा आपके पास है, रखिए उसको अपने पास। भविष्य में चार्ट पर महालक्ष्मी जी जब आदेश दें, तब खरीदने का मन बनाइए। और यदि आपको अलॉटमेंट मिल गया है, तो भाई साहब, आप आज के शहंशाह हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो चाहे वो कर लीजिए। आप तो होल्ड करना है, होल्ड कीजिए। भाई साहब, 32 से 60 की उड़ान कुछ नहीं है इस शेयर के लिए, बहुत आगे जाना है इसको। एरेडा तो मोदी जी का हीरा है, सबसे बड़ा कोयला तो थी भेल। उस भेल का देखिए आप, लोग कहा करते थे, लोग क्या, हम खुद कहते थे कि भेल का शेयर कभी मत खरीदना, नहीं तो भेल के शेयर सर्टिफिकेट में रखकर भेल पूरी खानी पड़ेगी। वो एक जमाना था, लेकिन आज देखिए आप, इसी एक साल में 2 जनवरी को भेल का शेयर 80 रुपए पर था, आज भेल खड़ा हुआ है 165 के पार। एक साल में 105% के मुनाफे का कारण है कि इसको ताबड़तोड़ ऑर्डर मिल रहे हैं। इंडियन नेवी की तरफ से इसको सुपर रैपिड गन माउंट का ऑर्डर मिला है। 16 तोपें खरीदी जा रही हैं 3,000 करोड़ रुपए में। ये जो तोप है, वो पुराने जहाजों पर, नए जहाजों पर लगाई जाती रहेगी, मतलब धंधा भेल को मिलता रहेगा। साथ में फ्रेंच कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जैतापुर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट बनाने में भारत का जो योगदान है वो बढ़ रहा है। भेल टेक्नोलॉजी प्राप्त कर रही है, नए कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन कर रही है। जब ये सब काम कोई कंपनी करेगी, तो वैल्यूएशन क्यों नहीं बढ़ेगा, आप बताइए। इसलिए इरेडा हो भेल हो, खरीदने बेचने की राइट रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप शेयर का दाम मत देखिए, कंपनी की हरकतें देखिए, स्ट्रेटजी देखिए, कंपनी कैसे कायाकल्प कर रही है वो देखिए। समझ में आए तो निवेश कीजिए, शेयर को समझने से पहले धंधा समझिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, चूंकि हर गिरावट शेयर मार्केट में खरीदारी का मौका है, इसलिए सीख लीजिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं। किंतु ध्यान रखिएगा, अगले 32 दिनों के बाद हमारे तीनों आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस कोर्स की फीस डबल डबल होने जा रही है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अपना पसंदीदा आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा।